स्टार्ट, चलिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेकेंड क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मीन्स जो हमें डायरेक्ट दिखाई दे और इनडायरेक्ट मीन्स जो हमें समझ में ना आए, दिखाई न दे। तो नाम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि जो भी वर्ब, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा ना, वर्ब के कारण, वर्ब के कारण किसी भी पर्सन या थिंग पर जो भी असर पड़े, ठीक है, जिस पर भी पड़ रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा हु और किसका आंसर देता है? व्हाट का आंसर देता है, ठीक है। हु और व्हाट का आंसर देगा। अब बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? ये हमेशा किसका आंसर देगा? टू हूम, टू हूम, मतलब किसके लिए वह कार्य किया गया है, ठीक है ना। तो किसके लिए किया गया है, तो इसका क्या आएगा इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? टू हूम, किसके लिए वह कार्य किया गया हो। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हमारी वर्ब से के कारण अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। डायरेक्टली हमारी वर्ब के कारण क्या रहेगा? अफेक्टेड, अफेक्टेड रहेगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा कि वह कार्य किसके लिए किया जा रहा है। तो पहले हम एक एग्जांपल से देखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रहेगा ये हमेशा किसका आंसर देगा? व्हाट और हु का आंसर देगा, क्लियर। और ये किसका आंसर देगा? टू हूम का आंसर देगा, क्लियर। क्लियर हुआ? तो प्रेडिकेट का व्यवहार जो किसके सेंटेंस की वर्ब के कारण क्या रहता है? डायरेक्टली अफेक्टेड रहता है। वह कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा? वह ऑब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। और सेंटेंस का व्यवहार जिसके लिए वहां पर पर्सन या थिंग्स के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो किस व्यक्ति या थिंग के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति, जिस पर्सन या थिंग के लिए वह काम किया जा रहा है, वह हमारा किसमें आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, क्लियर। तो एक एग्जांपल देखें, जैसे कि यही एग्जांपल ऊपर दिया, डेविड रिपेयर्ड, रिपेयर्ड हिज कार, ठीक है। तो डेविड अपनी कार क्या कर रहा है? रिपेयर कर रहा था। अच्छा, तो डेविड तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी बच्चा तो ये प्रेडिकेट है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारी वर्ब क्या है? रिपेयर्ड, ईडी फॉर्म है, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये रिपेयर का, ठीक है। तो रिपेयर्ड वर्ब हो गई। अब रिपेयर करने का डायरेक्ट कौन इफेक्ट हो रहा है? कार, भाई कार ही तो रिपेयर हो रही, तो उसका जो भी कुछ सामान खराब रहा होगा उसी के कारण उसको ठीक किया जा रहा होगा, ठीक है। टायर चेंज किया जा रहा है, जो भी उसमें पेंट किया जा रहा हो, जो भी काम किया जाएगा, तो उसके कारण डायरेक्टली कौन अफेक्टेड हुआ? कार ही अफेक्टेड हुई। तो कार यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी रिपेयरिंग के कारण ही क्या हो रहा है? कार में कुछ बदलाव आएंगे, ठीक है। तो ये बदलाव कार में आ रहे हैं, तो जिसमें भी हमारी वर्ब के कारण कोई भी चेंजेस आएंगे, वह हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखें, ही ब्रोक्स द विंडो, ही ब्रोक्स द विंडो, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? ही ब्रोक द विंडो, ही ब्रोक द, ऐसे ही ब्रोक द विंडो, ठीक है। तो उसने क्या तोड़ा? विंडो तोड़ दी, ठीक है। तो ही तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ब्रोक क्या है? हमारी वर्ब है। अब इस तोड़ने की वजह से इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? विंडो पर, भाई उसका कांच टूट रहा है, ठीक है ना। तो जो भी उसके स्ट्रक्चर था उसमें क्या हो रहा है? कुछ बदलाव आ रहा है। डायरेक्ट विंडो पर ही असर पड़ रहा है, बॉल लगेगी या
हथौड़ा लग रहा है तो उसका क्या हो रहा है, कांच टूट रहा है या वो टूट रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट कौन इफेक्ट हुआ, विंडो हुई, तो विंडो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ही रोट अ लेटर टू हिज सन, ठीक है। ही रोट अ लेटर टू हिज सन, ठीक है। उसने एक क्या लिखा था, उसने एक क्या लिखा, उसने एक लेटर लिखा किसके लिए, टू हूम, टू हिज सन, ठीक है ना। तो यदि बात की जाए ही रोट अ लेटर, तो यहां पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या समझा था कि टू हूम से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा, तो ही टू हूम ही रोट अ लेटर, तो ही रोट अ लेटर टू हिज सन, तो आंसर क्या आ रहा, हिज सन। तो जैसे ही हमने टू हूम लगाया हमें आंसर मिल गया हिज सन, ठीक है। तो यहां पर हिज सन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो भी कैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि इसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो लेटर आए, लेटर इज अ डायग्राम, भाई कैसे, कि जब भी हम लेटर लिखेंगे किसी पेन से लिखेंगे एक पेपर, ठीक है ना, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, ठीक है, लेटर लिख रहे हैं, पेपर है तो भाई उसमें लिखेंगे तो डायरेक्ट अफेक्टेड कौन होगा, हमारा वो पेपर होगा जिस पर वह लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर हम पेन से लिखेंगे, ठीक है ना, तो चेंजेस आएंगे, मुड़ेगा उस पर, राइटिंग आएगी हमारी, तो डायरेक्ट अफेक्टेड कौन है, लिखने रोड क्या है हमारे यहाँ पर, वर्ब है, तो वर्ब के कारण डायरेक्ट अफेक्टेड कौन हो रहा है, लेटर हो रहा है, ठीक है ना, वो भी किसी पेपर का बना हुआ, तो लेटर इज अवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वह किसको लिखा जा रहा है, टू हूम, ठीक है, तो हिज सन, डायरेक्टली तो ये अफेक्टेड तुरंत में उसी पर लिखा गया है, लेकिन यदि बात इनडायरेक्टली कौन, या तो आप फिर अपने बेटे के पास ही रहेगा, वो पढ़ कर भी अफेक्टेड होगा ना, ठीक है, उसे कुछ पता चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, खुश होगा, रोएगा, जो भी कुछ, तो इनडायरेक्टली भी तो उसका सन भी क्या है, इससे अफेक्टेड है रोड से, ठीक है। तो अ लेटर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिज सन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही बॉट अ कार टू ही बॉट अ कार टू हिज ब्रदर, ठीक है, ही बॉट अ कार टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए क्या खरीदी, कार खरीदी, तो ही क्या हो गया यहां पर, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया यहां पर, सब्जेक्ट हो गया, और बाकी बचा पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर देखा कि वॉट क्या है, यहां पर वॉट हमारा क्या है, यहां पर वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है, और वर्ब कैसे, ये बाय का ही क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है ये बाय का, ठीक है, तो बाय का क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल वॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉट हमारी क्या है, वर्ब है। अब इस वॉट की वजह से, वॉट मीन्स खरीदने की वजह से डायरेक्टली अफेक्टेड कौन हुआ, कार खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या खरीद रहे हैं, तो कार खरीद रहे हैं। जब हमने व्हाट या हु से आंसर किया तो क्या मिला हमें, अ कार, ठीक है, तो खरीदेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कार तो घर ले जाएंगे तो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा, उसको चलाकर ले जाएंगे, देखेंगे, तो डायरेक्टली अफेक्टेड कौन है, अ कार है, ठीक है। तो कार यहां पर हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट और हू से क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल रहा है उसका। अब यदि बात की जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कार हमने खरीदी, ठीक है, उसने वह कार खरीदी तो किसके लिए खरीदी, टू हूम, ही व्हाट अ कार, तो आंसर क्या आएगा, टू हिज ब्रदर,
ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आया, जैसे हमने टू हूम से क्वेश्चन किया तो आंसर निकल कर आया हिज ब्रदर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कौन अफेक्टेड हुआ, उसका भाई, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कैसे अफेक्टेड हुआ भाई, उसका भाई खरीद कर देगा अपने भाई को तो वह खुश होगा, तो अफेक्ट तो हुआ है, लेकिन कैसा हुआ, इनडायरेक्टली। जैसे ही उसने खरीदने का मन बनाया था, पहले खरीदा, तो सबसे पहले अफेक्ट कौन हुआ, जब वह कार अफेक्ट हुई, क्योंकि वह उसे खरीद कर घर लेकर आया, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चेंजेस आए, उसको लेकर आया, पहले कहीं शॉप पर थी, फिर वह घर पर आ गई, ठीक है ना। तो पहले कौन हुआ, कार हो गई, उसके बाद इनडायरेक्टली कौन हुआ, उसका भाई, जिसके लिए वह कार खरीदी गई है, ठीक है। तो हिज ब्रदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ कार इज अ डायरेक्ट।